हेलो मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू एज ब्रेनियक और जिस बुक समरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है और मार्केटर्स आर लायर्स बाय सेथ गॉडिन। सेथ गॉडिन द्वारा लिखी गई ये बुक हर किसी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए एक मस्ट रीड बुक है। ये बुक मेनली किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। आपके स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज साइज बिजनेस में स्टोरी टेलिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोडक्ट फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसकी मार्केटिंग में एक कन्विंसिंग स्टोरी का ना होना, क्योंकि स्टोरी ही कंज्यूमर का अटेंशन गेन करती है और वो उस प्रोडक्ट को अपनी लाइफ का हिस्सा उसी स्टोरी से कन्विंस होकर बनाता है, चाहे वो स्टोरी फेक ही क्यों ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने टीवी पर कई सारे एड्स देखे होंगे। चलिए हम माउंटेन ड्यू का एग्जांपल लेते हैं, जिसकी टैग लाइन है डर के आगे जीत है, जिसमें ऋतिक रोशन का कॉन्फिडेंस माउंटेन ड्यू पीने से अचानक बढ़ जाता है और वो अपनी बाइक को उछालते हुए 40 फीट दूर रोड की दूसरी तरफ ले जा देते हैं। ये एक स्टोरी है, ये एक इमोशन है, जैसे डर पर जीत पाना या कॉन्फिडेंस का बढ़ जाना, जिसके साथ कंपनी ने इस प्रोडक्ट को एसोसिएट कर लिया। और किसी शॉप की फ्रिज पर आप माउंटेन ड्यू को देखोगे तो आप उसी इमोशन की वजह से प्रोडक्ट की ओर साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट हो जाओगे और माउंटेन ड्यू खरीद लोगे। ये तो था प्रोडक्ट को किसी स्टोरी या इमोशन के साथ अटैच करके कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका। अब आप इमेजिन करो कि अगर माउंटेन ड्यू वाले आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट के बारे में बताते कि ये बस एक सोडा है जिसमें भर भर के चीनी मिलाई गई है, तो आप क्या उसे लेते? क्योंकि इससे ज्यादा अनहेल्दी और क्या हो सकता है? क्या आपको सच में लगता है कि ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू पीते होंगे? आप चाहें तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इस चीज को सेथ गॉडिन इस बुक में बताते हैं कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कन्विंसिंग स्टोरी बनाने में फेल हो जाते हो जो कि कस्टमर के साथ रेजोनेट कर सके, तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो आइए अब इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन पॉइंट, मार्केटर्स डिड नॉट इन्वेंट स्टोरीज, दे जस्ट परफेक्टेड इट। जितने भी सक्सेसफुल मार्केटर्स हैं वो सभी प्रोडक्ट के अराउंड एक सॉलिड स्टोरी बनाने में माहिर होते हैं। जब भी वो स्टोरी तैयार करते हैं आपने गौर किया होगा कि वो ज्यादा फोकस फैक्ट्स, फीचर्स या बेनिफिट्स पर नहीं करते, सबसे ज्यादा उनका फोकस होता है कहानी यानी कि स्टोरी लाइन पर, क्योंकि स्टोरीज में ही वो पोटेंशियल होता है फैलने का या वायरल होने का, और इसका फायदा मिलता है प्रोडक्ट की सेल पर जो कि किसी भी कंपनी का अल्टीमेट गोल होता है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए सेथ गॉडिन रीडल वाइन ग्लासेस का एग्जांपल देते हैं। रीडल वाले अपने वाइन ग्लासेस की मार्केटिंग करते हुए क्लेम करते हैं कि आप चाहे सस्ती से सस्ती वाइन भी अगर रीडल वाइन ग्लासेस में पियोगे तो उसका टेस्ट आपको नॉर्मल ग्लास में पीने से कई गुना ज्यादा लगेगा। इस क्लेम के पीछे कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये स्टोरी बना के इन ग्लासेस की ऐसी मार्केटिंग की कि लोगों के दिमाग में ऑलरेडी ये बात सेट हो गई कि ये लग्जरी ग्लासेस हैं, इनमें सस्ती वाइन पीने से भी अच्छा फील आएगा और आप बेटर फील करोगे, तो साइकोलॉजिकली आपको वो वाइन इन ग्लासेस में टेस्टी लगेगी क्योंकि आप स्टोरी के थ्रू ऑलरेडी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हो। और रही सही कसर, इन ग्लासेस का लग्जरी डिजाइन पूरी कर देता है। अब खेल ये है कि ये क्लेम झूठा तो है नहीं, क्योंकि लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इन ग्लासेस में वाइन पीने से टेस्ट सच में अच्छा आता है। यही ताकत है फैक्ट्स की बजाय स्टोरी पर फोकस करने की। चलिए पॉइंट नंबर टू की ओर आते हैं। आपका फोकस लोगों की वॉन्ट्स पर होना चाहिए, ना कि लोगों की नीड्स पर। मार्केटर्स का काम ही यही होता है कि वो लोगों की वॉन्ट्स पर फोकस करते हुए स्टोरी क्रिएट करते हैं। मार्केटर्स प्रॉफिट बिकॉज कंज्यूमर्स बाय व्हाट दे वॉन्ट, नॉट व्हाट दे नीड। एक टाइम हुआ करता था जब मार्केटर्स केवल जरूरत की चीजों यानी कि कंज्यूमर की नीड्स पर फोकस करते थे। वो कोशिश करते थे कि प्रोडक्ट कैसे ज्यादा इफेक्टिव या सस्ता हो सकता है, यही उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन आज बात उल्टी है। एग्जांपल लेते हैं आपके स्मार्टफोन का। आपके जो भी जरूरी काम है वो एक मिड लेवल का एंड्रॉयड फोन आसानी से पूरे कर सकता है। उसमें एक डिसेंट सा कैमरा होता है और सारी जरूरत की एप्स आप यूज कर सकते हो और वो फोन सभी आपके काम कर सकता है। लेकिन फिर भी आप आईफोन की तरफ अट्रैक्ट होते हो क्योंकि मार्केटर्स ने ये बात पकड़ ली कि नीड्स तो कंज्यूमर की सस्ते फोन से ऑलरेडी पूरी हो जा रही है, तो वो टारगेट करते हैं आपकी वॉन्ट्स पर। जैसे आपको फोन के पीछे एप्पल का लोगो चाहिए दिखाने को, या फिर बिना लैग के पबजी खेलना है, या शीशे के सामने जाकर आईफोन दिखाते हुए फोटो क्लिक करनी है। ये सारी हो गई आपकी वॉन्ट्स यानी कि आपकी इच्छाएं, ना कि आपकी नीड्स यानी कि जरूरतें। इसीलिए राइटर बोलते हैं कि इट डजंट मैटर व्हाट यू आर सेलिंग एज लॉन्ग एज यू आर सेटिस्फाइंग वॉन्ट्स नॉट नीड्स। इसीलिए मार्केटर्स कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं या किसी का भी प्रचार कर सकते हैं, चाहे वो कोई सर्विस हो या कोई धर्म का प्रचार करना हो या किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट का प्रचार करना हो। वो फोकस करेंगे आपकी इमोशनल वॉन्ट्स पर, ना कि आपकी बेसिक नीड्स पर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर थर्ड की ओर। कैसे एक स्टोरी आपकी इमेजिनेशन को कैप्चर करती है जो कि एक फैक्ट कभी नहीं कर सकता। आप जब 10,000 रुपए के पूमा के जूते खरीदते हो तो इमेजिन करो आप उन्हें पहनकर कैसा फील करते हो। आप अच्छा और स्पेशल फील करते हो। सोचो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूमा के पास एक ब्रांड नेम है, एक स्टोरी है बताने को। नेमार या विराट कोहली जैसे लोग हैं आपको इमोशनली उस ब्रांड के साथ कनेक्ट करने को। ऐसा फील आप किसी लोकल फैक्ट्री या किसी लोकल वर्कर द्वारा बनाए गए जूते पहनकर कभी नहीं कर सकते। भले ही लोकल कारीगर द्वारा बनाया गया जूता पूमा के उस जूते से क्वालिटी में कई गुना बेहतर ही क्यों ना हो, आप प्रभावित हो जाएंगे पूमा द्वारा सुनाई गई कहानी से, उसकी ब्रांड वैल्यू से,
और नेमार या विराट कोहली आपको वो स्टोरी सुनाए तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है कि आप भी उस ब्रांड का हिस्सा हो जो नेमार पहनता है या जो विराट कोहली पहनता है। ऐसे ही एडिडास के जूते पहनने से आपको मेसी द्वारा सुनाई गई स्टोरी के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा और नाइकी के जूते पहनने से रोनाल्डो द्वारा सुनाई गई स्टोरी से सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा। हर एक ब्रांड ने अपना अपना एक पकड़ रखा है जिन्हें वो करोड़ों रुपए देते हैं ये कहानी सुनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की ओर। स्मार्ट मार्केटर्स लेवरेज अ वर्ल्ड व्यू अ कंज्यूमर ऑलरेडी हैज। जो स्मार्ट मार्केटर्स होते हैं वो आपके वैल्यूज या बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश नहीं करते बल्कि आपके पास जो वैल्यूज या बिलीव्स पहले से हैं उनका फायदा उठाते हैं। इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं। मान लीजिए आप पबजी बहुत खेलते हैं। अब स्मार्टफोन कंपनी के मार्केटिंग वाले बंदे ये तो नहीं कहेंगे कि पबजी मत खेलो। वो आपकी हैबिट या बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे बल्कि वो आपकी इस हैबिट के ऊपर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर देंगे जो खास तौर पर गेमिंग के लिए बनाए। वो बोलेंगे कि ये रहा नया स्मार्टफोन जिसमें पबजी कभी नहीं अटकता। अब खेलो 18-18 घंटे दिन के पबजी बिना किसी लैग के साथ। अब आप 100% उस फोन को खरीदे गई क्योंकि आपकी हैबिट है पबजी खेलने की। इसी चीज का फायदा उठाया मार्केटर्स ने। पहले तो उन्होंने आपकी वॉन्ट्स पर फोकस किया ना कि आपकी नीड्स पर, और आपकी आदत का भी फायदा उठा लिया। इसीलिए मार्केटर्स के लिए इस बुक के राइटर सेथ गॉडिन एडवाइस देते हैं कि मार्केटर्स शुड वर्क टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग अ पॉपुलेशन विद अ सर्टेन वर्ल्ड व्यू एंड फ्रेम देयर स्टोरीज इन टर्म्स ऑफ दैट वर्ल्ड व्यू ओनली। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की ओर, द डिफरेंस बिटवीन फिब्स एंड फ्रॉड्स। फिब उस स्टोरी को बोलते हैं जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की स्टोरी को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है जो एक ऑनेस्ट लाई है। जैसे आप स्प्राइट के पॉपुलर स्लोगन का एग्जांपल लें, स्प्राइट बुझाए प्यास बाकी सब बकवास। सबको पता है कि पानी पी के ही प्यास बुझती है। ये हो गया एक ऑनेस्ट लाई जिसे सब जानते हैं। जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 में रीडल वाइन ग्लासेस का एग्जांपल लिया था कि कोई भी वाइन रीडल वाइन ग्लासेस में पीने से ज्यादा टेस्टी लगती है। ये भी एक ऑनेस्ट लाई का ही एग्जांपल है। ऐसा ही एक एग्जांपल बुक में दिया गया है। मर्सिडीज वाले क्लेम करते हैं कि मर्सिडीज की कार्स टोयोटा की कार्स से 15 गुना बेहतर है, जो कि क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि झूठ है। टोयोटा की लग्जरी कार्स भी मर्सिडीज को पूरी तरह से तगड़ी टक्कर देती हैं। आप इंडिया में टोयोटा की फॉर्चूनर का एग्जांपल ले लो। उस प्राइस रेंज में इतनी पावरफुल एसयूवी मर्सिडीज कभी प्रोवाइड कर ही नहीं सकती। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मर्सिडीज के जो कस्टमर्स हैं वो सच में इस स्टोरी पर विश्वास कर लेते हैं। इस कहानी को भी हम एक ऑनेस्ट लाई की कैटेगरी में रख लेते हैं। ये सारे अगर फिब्स हैं तो फिर फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड भी एक तरीके का फिब ही होता है जो बड़े लेवल पर मार्केटर्स द्वारा किया जाता है अपने पर्सनल फायदे के लिए। फ्रॉड के एग्जांपल्स आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में बहुत सारे देखने को मिलते हैं जिसमें चेन बनाकर लोगों को ऐड करना होता है और आपको उस बात के पैसे मिलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इस फील्ड में सभी फ्रॉड कंपनीज हैं, कुछ जेन्युइन कंपनीज भी हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी है जैसे एमवे, लेकिन कई सारी फ्रॉड कंपनीज भी हैं जो सीधे साधे लोगों को सपने दिखाकर पैसे लूट लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, तो थोड़े से आप सावधान जरूर हो जाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी समरी ऑल मार्केटर्स आर लायर्स की, जिसे लिखा है सेथ गॉडिन ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें जिससे हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।